पूरे विश्व में कोरोना वायरस के चलते सभी तरीकों के इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट मुकाबलों को रोक दिया गया था। इसी के चलते सारे लीग मुकाबलों को भी स्थगित कर दिया गया था, फिर चाहे वो आईपीएल हो या कोई दूसरे देश के लीग मुकाबले, जिससे कोरोना वायरस और न बढ़ सके। आईपीएल भी इस वायरस की चपेट में आ गया था और इसमें भी रोक लगा दी गई थी। इन तारीखों के बीच में हो सकेगा आईपीएल। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर फैसला जुलाई में लिया जाना है, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए 26 सितंबर से 8 नवंबर की संभावित तारीखें तय कर ली है। वैसे इसका आयोजन T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने की स्थिति नहीं होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर T20 वर्ल्ड कप को मना कर दिया जाता है तो बीसीसीआई आईपीएल 2020 को 26 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आयोजित करेगा। आपको बता दें कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाना है। कोरोना वायरस के मद्देनजर इसके आयोजन पर फैसला लेने के लिए 10 जून को आईसीसी की बैठक हुई थी, जिसमें फैसले को जुलाई महीने तक के लिए टाल दिया गया था। आईसीसी की बैठक के तुरंत बाद बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने सभी राज्य इकाइयों को पत्र लिखकर आईपीएल 2020 के लिए तैयार रहने को कहा था। उन्होंने लिखा था कि बोर्ड ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। बीसीसीआई ने इसके बाद सभी फ्रेंचाइजियों, स्टार स्पोर्ट्स और संबंधित पक्षों के साथ मीटिंग कर 26 सितंबर से 8 नवंबर तक की संभावित तारीखें तय की है। आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करना है इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता इसे भारत में आयोजित करने की रहेगी। यदि भारत